ऑफिस ट्यून प्रेस स्टार देती है ये फूलों की निगाह अल्लाहु अल्लाह कहती है ये फूलों की निगाह अल्लाहु अल्लाह हेलो 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 जी हाँ हाँ बोले फोन आया दो बार कब इसी नंबर पे दो बार फोन आया था हाँ वो फोन तो मैंने ही किया था आपको आ गया हेलो हाँ कहाँ से बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं आसाम से हाँ क्या हुआ ये है आपके एक मैसेज मिले इसी नंबर से हाँ बोलिए कोई वहाबी देवबंदी अहले हदीस गैर मुकल्लिद अपने आप को सिर्फ मुसलमान साबित कर दे 50,000 इनाम ले जाए हाँ 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 क्या आपके हिसाब से ये काफिर है हमारे हिसाब से नहीं कुरान और हदीस के हिसाब से तो आपको आप कुरान और हदीस के हिसाब से ये काफिर है तो आप क्या कहेंगे काबा शरीफ के इमाम साहब वहाबी देवबंदी या कोई और चीज तो इमाम काबा के इमाम साहब वहाबी है आलिम है कोई तुम्हारे बगल में है हाँ तो उनसे बात कराओ हाँ बोलो हम हैं आलिम हैं तुम आलिम हो हाँ बोलो ये बताओ कोई ऐसी हदीस पढ़े हो कि जो काबे में इमामत करेगा वो हक पर ही रहेगा आ? जो काबे में इमामत करेगा वो हमेशा हक पर ही रहेगा कोई हदीस में किसी हदीस में या किसी अइम्मा ने लिखा है आप मैं ये सवाल तो बात में हाँ, आप हाँ, मेरे वो सवाल को ना सवाल जो आप कर रहे हैं वो आज की हक पर आज... है या नहीं ये नहीं पूछ रही मैं आपको पूछ रहा हूँ कि काबा शरीफ के इमाम साहब काफिर हैं हाँ आ? हाँ क्या खुदा इतने कमजोर हो गए जिसको जिसने अपने काबतुल्लाह की इमामती कराई किसी काफिर से कमजोर हो गया खुदा इतने कमजोर हो गए कि किसी काफिर से आपने काबा की इमामती कराए या किससे तुमने सुना है जिससे सुना हो तो ये बताइए तुम ये कहो कि खुदा इतने कमजोर हो गए कि आपने काबा की इमामती किसी काफिर से कराए अब सुनो मैं बता रहा हूँ जवाब लियो ना सिया मुसलमान है तुम्हारे नजदीक हाँ सिया तुम्हारे नजदीक मुसलमान है उनके तो फिरका एतबार से कुछ कि कुछ लोगों का अकीदा मुसलमानियत के साथ मिलता है किनका वो किसी फिरका है सिया मुसलमान है मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो कुल्लियतन काफिर नहीं है कुल्लियतन काफिर नहीं है मतलब वो मुसलमान मानते हो तुम उनको हाँ उनको मुसलमान मानते हो तुम न मतलाकन शिया कहोगे तो काफिर है तो वो शिया काफिर है ना मतलाकन नहीं है ये क्या शिया के कितने कितने फिरके हैं बताओ 10 फिरके हैं 10 फिरके हर कोई काफिर है हाँ हर कोई काफिर है हाँ अच्छा हाँ जो सहाबा को गालियां देता है वो काफिर नहीं है हर कोई थोड़ी हर कोई नहीं देता कौन नहीं देता है हाँ कौन नहीं देता है कौन से जमात के लोग नहीं देते हैं कौन से जमात के लोग देते हैं वही मैं बता रहा हूँ 10 का नाम बताओ पहले आशिया कुल्लियतन काफिर है बताओ शिया काफिर है 10 के 10 फिरके हाँ तो शियाओं ने भी हुकूमत की है कि नहीं इमामत की है वहाँ के नहीं की है कहा उसी में काबा में आए? तो क्या उस वक्त खुदा कमजोर हो गया था उस वक्त उसी वक्त जब शियाओं ने वहाँ पर कब्जा किया और इमामत की जब उन लोगों ने और दूसरी बात काबे में जब जलजला आया था तो लाखों हजारों की तादाद में लोग घर से बेघर हो गए और डूब कर मर भी गए थे तो क्या अल्लाह ताला कमजोर हो गया था कि काबे में तमाम जितने भी नमाजी और रोजगार थे रोजे वाले थे सब लोग डूब कर मर गए पानी भर गया अल्लाह ताला क्या कमजोर हो गया था हाँ अल्लाह कमजोर थोड़ी ये आजाब है एक
तुम्हारे पास कोई हदीस है या कोई कौल है कि जो जिंदगी भर इमामत करेगा काबा में वो मुसलमान ही रहेगा, हक पर ही रहेगा? है कोई हदीस तो सुनाओ। नहीं है ना? तुम्हारे हिसाब से वो काफिर है। हाँ, हिसाब से नहीं, मैं बता रहा हूँ, काफिर है तो काफिर है। अब उसको बोलो काबे के इमाम से मुझसे बात करे। तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे हिसाब से काबे के इमाम सब काफिर है। हाँ, आज की तारीख में जो इमामत कर रहा है वो काफिर है। किस एतबार से? उसका अकीदा गलत है। क्या अकीदा है? खारजियों वाला है। क्या खारजी वाला अकीदा है? खारजी का अकीदा तुम्हें मालूम है? खारजी वाला अकीदा तुम कैसे कह दोगे? कैसे कर दोगे? जो आयतें भूतों और कुफारों के बारे में नाजिल हुई है वो मोमिनों पर चस्पाता है, उसके बाद में उन्हें मुशरिक करार देता है। तो तुम कबरों को पूजा करो तो तुमको मुशरिक कहने से कोई पूछता कौन है? तुम पूछते हो। साबित करो। हाँ, साबित करो। क्या साबित करो? कबर में सर टिकते हो कहे तो। क्या कबर में सर टिकते हो कहे तो? सर टिकने से ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये बताओ कि बैतुल्ला जो रहे खाने काबा, हाँ, वहाँ पर 70 लोग अंबिया का कबर है। हाँ, वहाँ पर सर टेकते हैं नहीं कि टेकते हैं? कहे को वो थोड़ी कबरों में अपने पास रखो, ये जजमेंट अपने पास रखो। 70 अंबिया का लगभग है उसमें कबर है, खाने काबा के अंदर। खाने काबे के अंदर? हाँ, इर्द गिर्द में, अगल बगल में सब। वहाँ पर सर टेकते हैं कि नहीं? हेलो, कहे को फोन काटा है? और हदीस सुनाओ पहले, जो काबे में इमामत करेगा वो हक पर ही रहेगा। पागल जैसे बात मत करो। पागल नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब कौन देगा? मैं क्या कह रहा हूँ? तुम क्या कह रहे हो उसका जवाब मैं दे चुका दो तीन बार। मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। हदीस पढ़ो एक। कैसे? काबे में जो इमामत करेगा हमेशा वो हक पर ही रहेगा, ऐसा कोई हदीस है? हेलो, तुमको तुम एक हदीस सुनाओ जिसमें वो है। क्या है? हाँ, क्या है? क्या वो अंबिया वाला है, सारे अंबिया के वहाँ पूजा होता है? पूजा कौन करता है बेवकूफ? कोई तुम करते हो? कोई नहीं करता है। साबित कर। तुम करते हो? साबित कर। कबरों में पूजा करना ही है, सजदा करता है कोई अगर एहतरामन झुक जाता है? हालांकि हमारे शरीयत में एहतरामन सजदा है। हमारे शरीयत में है? कहाँ है? कहाँ है तो कैसे तू चस्पा रहा है? क्योंकि अपना हदीस के जखीरा है, वो हदीस नहीं मिला। हमारे किसी भी आलिम ने अपनी किताब में लिखा है कि जाकर कबरों को सजदा करो। हाँ, तो तुम काहे को करते हो? कौन करता है? तुम करते हो? बरेली करते हैं। कौन करता है? बरेली भी बरेली करते हैं। कौन करते हैं? एक बता, मुशरिक है। एक बार बता शेख, मैं पूछ रहा हूँ कि मसलक किससे चलता है? मजहब मोतबर उलमा से चलता है ना। हमारे किस मोतबर आलिम ने अपनी किताब में लिखा कि जाओ कब्रों को सजदा करो? तुम करते हो काहे? अरे करते हो, कहना तेरा काफी नहीं है, साबित कर पहले। किताब में कहाँ लिखा किसी ने कि जाओ कब्रों को सजदा करो? थोड़ी हमने वो किताब तुम्हारे किताब नहीं, तो ये जबरदस्ती वाली बात जो तेरे जहन में है वो पहले गर्दो गुबार निकाल पहले गलीज। हमारे किसी मोहतबर आलिम ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि जाकर कब्रों को सजदा करो, बल्कि हमारे में लिखा हराम है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कब्रों को सजदा हराम है। तो तुम कहे को उनके, अबे हम कहाँ जाते हैं करते हैं? नहीं, क्या हमको जो तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि वो मुशरिक वाले आया था हम पर थूकते हैं। हाँ, तो तुम कैसे तुम पर थूकने वाला समझ लेते हो? समझ नहीं लेते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, जिल नंबर एक, बाब का नाम कत्लुल खवारिज वल मुल्हिदीना बादा इकामतिल हुज्जत अलैहिम, हदीस नंबर 1037। इसमें हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, बेवकूफ मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बोल रहा हूँ, यरहुम शरारा खल्किल्लाह। तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि वो मुश्रिकों के लिए हमारे काफिर के लिए जो आयत नाजिल हुआ हम पे थूका जाता है। हाँ, अब मैं बता रहा हूँ, ये सूरह हज की आयत है, या अय्युहन नासु दुरिबा मसलुन फास्तमिउ लहु इन्नल लजीना तदउना मिन दूनिल्लाहि लयखलुकु ज़ुबाबा वलौ इस्तमउ लहु वयस्लुबुहुम ज़ुबाबु शय्यन ला यस्तनकिज़ुहु मिन्हु ज़ौफत तालिबु वल मतलूब, कि अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जाती है उनकी कमजोरी बयान हो रही है कि उनके सारे के सारे माबूद मिलकर भी एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। ठीक है,
तो ये आया तुम पर ना, तुम्हारे हमारे लिए नहीं है, नहीं हमारे लिए नहीं है ये। ये हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये काफिरों और बुतों के बारे में है, औलिया अम्बिया के बारे में नहीं है, वो जलील मखलूक है उनके बारे में है। तो क्या अम्बिया और औलिया माजल्ला जलील कौम है क्या? ये आज तुम लोग चस्पाते हो कि नहीं चस्पाते हो? ये आज तुम लोग बरेलियों पर चस्पाते हो कि नहीं चस्पाते हो? ऐसी तमाम आयतें हैं। तुम इस पर गिरते हो या नहीं गिरते हो बताओ? अबे गिरते, हमको देखा है, हमको देखा है तू? तुम नहीं गिरते हो तो नहीं गिरते है ना, हम लोग कहाँ गिरते? तो तुम कहाँ जाने पर तुम? अबे जाहिल जिसको इल्म कम है वो जाता है, वो सर झुका देता है, तो उस पर शिर्क का थोड़ी फतवा लग जाएगा। शिर्क का फतवा लगाने के लिए कुरान से नस से दलील होनी चाहिए, वो दलील पेश कर, पढ़ कुरान की आयत। यही तो, अबे एक भी आयत नहीं याद है, चल रहा फेक, किसको कौन किसने बना दिया फेक है तू बेवकूफ जाहिल रखो।